नमस्कार, मैं नफीस अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज नाइन लाइव टीवी पर बिग बुलेटिन। बिग बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देश और दुनिया की कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। कोरोना वायरस की वजह से पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी कटौती। वही एक माह में 4 रुपए सस्ता हुआ पेट्रोल डीजल, कोरोना वायरस की वजह से घटे दाम। पहली बार माँ बनी बॉलीवुड अभिनेत्री कली केकला, शादी से पहले दिया बच्चे को जन्म। वही लखनऊ शहर के एक मस्जिद में ब्लड डोनेशन कैंप का हुआ आयोजन, सूचना आयुक्त ने बताया इंसानियत का बेहतरीन नमूना। सारा अली खान ने कपिल शर्मा को लगाई फटकार, कपिल शर्मा ने सारा अली खान से मांगी माफी, वीडियो हुआ वायरल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नौकरियों और प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए राज्य सरकारें नहीं है बात है। और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव बोले हिंदू मुसलमान पर नहीं विकास पर वोट पड़े फिर लौटेंगे केजरीवाल। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी का हर कदम पहले बीएसपी और बीजेपी के लिए बन रहा है बड़ी चुनौती। गुजराती व्यापारियों ने घूस लेती महिला कांस्टेबल का बनाया वीडियो, सब इंस्पेक्टर सहित लाइन हाजिर। नई दिल्ली चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने ईवीएम से छेड़छाड़ की कोशिश का लगाया आरोप, संजय सिंह ने शेयर किया वीडियो।